मेरा हीरालाल बुमरिया नाम है, कुकावस का रहने वाला हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि 1.5 लाख पब्लिक विस्थापित हो रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कुएं, जमीन और जायदाद यहाँ की ये दरी रह जाएगी और मैं हम बाल बच्चों को कहाँ लेके जा जाएंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि हम कहाँ का कागज बीनेंगे, कहाँ हम झोपड़ियाँ बनाएंगे, और हमारा ये सारा समाज का जो कटाव है गे वो कट जाएगा और हम किसी भाई से मिल नहीं पाएंगे, और हम एक दूसरे से मिलने में भी हमको बहुत बहुत दूरी लगेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब हमको कोई सरकार हमको ज़मीन देगी, हमको खाली है कि हमको धोखा दिया, धोखा देने की ये धोखाधड़ी की बात चल रही है, और हमको अगर कोई हमारा को अगर सरकार हमको पैसा भी देती है तो कोई बाइकल ले लेगा, कोई बाइकल लेगा और कोई अपने कोई साधन कर लेगा, इसके बाद में हम ज़मीन खरीद नहीं सकेंगे, कोई कुआं नहीं बना सकेंगे और घर नहीं बना सकेंगे, हम विस्थापित रह जाएंगे और हमारे बाल बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।